बच्चों, आज की इस कक्षा में हम सगुण भक्ति धारा के एक भक्त शिरोमण सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास से पहले हमने कबीरदास को पढ़ा है, जो कि ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को मानते हैं। यहाँ सूरदास सगुण उपासक हैं। सूरदास का जन्म स्थान रुग्णता या रेणुका क्षेत्र है, जो जिला आगरा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। ये जो पुष्टि मार्ग, अष्टछाप, वल्लभाचार्य, सीही, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन पर अपने शॉर्ट नोट्स आप तैयार करते रहें, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा होगी वैकल्पिक हुई तो इस तरह के प्रश्न ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे। ठीक है, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। देखिए, बता दिया कैसे भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जिसका कोई जोड़ ना हो। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। देखिए, सूरदास के काव्य में दो रस प्रमुख हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। आपने क्लास 10th में भी सूरदास को पढ़ा है, भ्रमर गीत सार में। वहाँ भी आपने देखा है कि किस तरह से गोपियाँ कृष्ण को से नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी वह उद्धव की बात नहीं सुनती। उनके अनुसार उद्धव जो भी बोल रहे हैं व्यर्थ की शिक्षा उन्हें दे रहे हैं। वहाँ वियोग श्रृंगार भी है। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है, मतलब उन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया है वह अद्भुत है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित हैं, करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, देखिए कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में सबसे ज़्यादा हुआ है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यह प्रयोग अधिक और कुशलता पूर्वक किया गया है। सूर्य की भाषा क्या है, सूर अर्थात सूरदास जी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने साहित्य का रूप प्रदान किया। उनके काव्य में ब्रज भाषा की स्वाभाविक सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय है, मतलब गाए जा सकते हैं, और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये क्या हैं, सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं। उसके बाद पाठ्यपुस्तक में उनके दो पद लिए गए हैं। दो पदों का हम संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर देख लें और हम कल इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप देखिए, पहले पद में कृष्ण को की बाल लीला का वर्णन है। खेल में जब वह हार जाने के जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, उसका सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। द
दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष है, जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसे प्रकट कर रही हैं। उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं, वह जैसा चाहती है कृष्ण को उसे वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोपभाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति एक ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। ठीक है, हम इनके पद जो हैं कल कक्षा में करेंगे।